To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, bhaiya and behan. This is Acharya Ashutosh Pandey from Saraswati Vidya Mandir Ring Band Sitamadi. Welcomes you all on the channel Acharya Ji Online. Today I am going to teach you the first lesson of the book Beehive for class 9th. The title of the story is The Fun They Had. This story has been written by Isaac Asimov. I would like to add some few lines about the writer, that he was an American writer and a professor of biochemistry at Boston University. He is known for his works of science fiction. He wrote or perhaps edited more than 500 books. He was born on 2nd January 1920 in Russia. It is true that he had Russian citizenship. He died on 6th April 1992. Now come to the story. The story we are going to read today is set in future. मैं यह बात आपको हिंदी में समझा दूं कि यह कहानी future में set की गई है. Means आपको यह कहानी 137 years के बाद बच्चों का स्कूल कैसा होगा यह दिखाने की कोशिश की गई है इस कहानी में. यह कहानी दो बच्चों के डिस्कशन के माध्यम से बताई जा रही है. दिस स्टोरी इज एब्सोल्युटली फुल ऑफ फन. जो दो बच्चे इस स्टोरी में हैं वो मार्गी जो कि 11 साल की लड़की है और टॉमी 13 साल का लड़का है. ये स्टोरी हमें कैसे पता चलेगा कि यह 137 इयर्स के बाद की स्टोरी है, तो मार्गी ने अपने डायरी पे एक डेट लिखा है जो हम आगे पढ़ेंगे पैराग्राफ वन में. लेकिन उसके पहले आप अपने कम स्क्रीन पे देख सकते हैं एक डायग्राम दिखाया गया है. इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्य के स्कूल कैसे होंगे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स मीन्स आपके सीखने का तरीका जरिया कंप्यूटर हो सकता है. टीचर्स रोबोटिक हो सकते हैं. वर्चुअल क्लासरूम होगा मीन्स आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी, आपका स्कूल आपके बेडरूम में ही होगा. मूविंग ई टेक्स्ट मिलेंगे. अभी जो हम किताबें पढ़ते हैं हमें ऐसे किताबें नहीं मिलेंगे, हमें मूविंग ई टेक्स्ट मिलेंगे जो कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं. सो दिस वुड बी द फ्यूचरिस्टिक स्कूल. इट माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर दैट वी वुड हैव सीन दिस काइंड ऑफ स्कूल. नाउ सी इन पैराग्राफ नंबर वन, मार्की इवन रोट अबाउट इट that night in her diary on the page headed 17th May 2157. Today Tommy found a real book. मार्गी ने अपने डायरी में एक डेट लिखा 17 मई 2157, जिसमें उसने लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिला है. रियल बुक मीन्स जो किताबें अभी हम आज पढ़ रहे हैं जिस फॉर्म में. उसने लिखा कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर. मार्गी ने टॉमी को बताया कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे तो मार्गी के ग्रैंडफादर को
को उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक समय था जब कहानियां पेपर्स पे प्रिंट होते थे, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। इस पैराग्राफ का मतलब है, उन्हें जो किताब मिली थी, उन्होंने उसके पन्नों को जब पलटा, वो येलो कलर के थे, क्रिंकली मीन्स उनके पन्ने जो थे वो मुड़े हुए थे। मार्की और टॉमी को यह किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, उनके लिए एक फन था, क्योंकि उन्होंने यह ऐसी किताबें पहले कभी नहीं देखी थी। वो वर्ड्स वहीं पे रुके हुए थे जहाँ पे उन लोगों ने पहली बार जब बुक देखा था, पेजेस को पलटा था, वो वर्ड्स जहाँ थे वहीं रुके थे। जबकि इन दोनों बच्चों का मानना था कि वर्ड्स को मूव करना चाहिए जैसा कि उनकी किताबें करती हैं। अगला जो पैराग्राफ है, जब मार्गी ने ये सारा इन्फॉर्मेशन टॉमी को दिया, टॉमी ने कहा, जी से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर। I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, Where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What it about? स्कूल। टॉमी ने जी कहा। जी जो वर्ड है वो यूज किया जाता है एक्सप्रेशन के तौर पे जब आप किसी चीज को सरप्राइज में व्यक्त करना चाहते हैं। उसने कहा, व्हाट अ वेस्ट, जब आप ये किताब पढ़ लेंगे तो आप इस किताब को फेंक देंगे। यू जस्ट थ्रो इट अवे, मुझे ऐसा लगता है, आई गेस। लेकिन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो मिलियंस बुक्स हैं और शायद इससे भी ज्यादा, मैं तो इसे नहीं फेंकूंगा। मार्गी ने भी जवाब दिया कि मैं भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन, अपने टेलीविजन स्क्रीन को नहीं फेंकूंगी। वह 11 साल की थी और उसने उतना टेलीबुक्स नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देखा था, क्योंकि टॉमी 13 साल का और मार्गी 11 साल की थी। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि यह रियल बुक तुम्हें कहाँ मिली। उसने जवाब दिया बिना मार्गी की तरफ देखे हुए, यह किताब मुझे मेरे घर में मेरे एटिक पे मिली। एटिक छत पे बना एक ऐसा कमरा जो कि आप स्टोर रूम के तौर पे यूज करते हैं। फिर उसने पूछा, इस बुक में लिखा क्या है, किस चीज के बारे में। स्कूल के बारे में लिखा है, ऐसा टॉमी ने जवाब दिया। Now paragraph 3. Margie was scornful. School. Margie को पहले से स्कूल पसंद नहीं था और जब उसने सुना कि इस किताब में भी स्कूल के बारे में लिखा है, so she was not happy to hear it. She was contemptuous. She said, "School is a worthless thing. What is there to write about school? I hate school." स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी इज ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली
एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी को तो स्कूल पहले से भी नापसंद थी, लेकिन अब तो वह स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो है उसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टेस्ट के बाद टेस्ट देते जा रहे हैं और वह उसमें पहले से भी खराब प्रदर्शन कर पा रही है। लास्ट में उसकी माँ ने दुखी होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। काउंटी इंस्पेक्टर एक ऐसा आदमी जो कि मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता होगा। जब काउंटी इंस्पेक्टर घर आया तो आगे क्या हुआ, पैराग्राफ 4 में हम पढ़ते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown. And the question were asked. That wasn't so bad. वो काउंटी इंस्पेक्टर लिटिल मैन, हाइट में छोटा, चेहरा रेड, और उसके पास एक बॉक्स जिसमें सारे उसके वायर्स और टूल्स भरे थे। वह मुस्कुराया, मार्गी को एक एप्पल दिया खाने को और फिर मैकेनिकल टीचर को लेकर चला गया। मार्गी को ऐसा लगा कि काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही नहीं होगा कि उसे रिपेयर कैसे करना है, इसे ठीक कैसे करना है, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को वो चीज़ें अच्छी तरीके से आती थी। एक घंटे के अंदर वो वापस आया उसी लाल, ब्लैक और अगली बॉक्स के साथ जो कि मैकेनिकल टीचर थे। ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिसपे सारे लेसन्स आ रहे थे, क्वेश्चंस वे आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड दैट वाजंट सो बैड। अब उसमें कोई भी खराबी नहीं थी। ध्यान दीजिएगा भैया बहन, द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी को उस मैकेनिकल टीचर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा नापसंद थी, पैराग्राफ 5 में, सॉरी 4 में ही। मोस्ट वाज द स्लॉट where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उस mechanical teacher में एक slot था। slot means एक जगह, एक ऐसा space computer screen पे जहाँ मार्गी को अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स को फिल करना होता था। मार्गी को अपना होमवर्क और अपना टेस्ट पेपर एक पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड मार्गी को उसी वक्त सिखा दिया गया था जब वह 6 साल की थी। और तो और, मैकेनिकल टीचर उसके टेक्स्ट के मार्क्स को कैलकुलेट कर लेते हैं इन नो टाइम, बिना देरी किए हुए। इधर आपने टेस्ट पेपर दिया और उधर आपका रिजल्ट आ गया। सो दीज थिंग्स मार्गी डिड नॉट लाइक। इन पैराग्राफ 5, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, उसने मार्गी के सर पे थपथपाया। He said to her mother, "It is not a little girl's fault." उसने उसकी माँ से कहा कि ये मार्गी की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, मार्गी की माँ का नाम है। I think the geography sector was geared a little too quick. Geography sector जो था उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा था मार्गी के लेवल से।
दोस थिंग हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने अब इसे 10 ईयर लेवल पे ला दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. अगर आप जानना चाहेंगी तो मार्गी का प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा है, इट इज सेटिस्फैक्ट्री. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से उसने मार्गी के सर पे थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी नाराज हो गई. सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. मार्गी का ऐसा मानना था, ऐसी आशा थी कि वह उसके मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए ले जाएंगे, कि कुछ दिन पहले टॉमी के मैकेनिकल टीचर में कुछ खराबी आ गई थी. खराबी ये थी कि टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था और काउंटी इंस्पेक्टर ने टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने तक अपने पास रखा. मार्गी भी शायद ऐसा सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसे 1 महीने के लिए वापस ले जाएंगे. सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाएगी. इस वीडियो को, इस पूरे चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं ये आपको लास्ट वीडियो के आखिरी में मिलेगा, ताकि आप उसे अपने कॉपी में नोट कर लें और उसका फेयर बना लें. आज का आपके लिए होमवर्क है, व्हाई वाज मार्गी डूइंग वर्स एंड वर्स इन हर ज्योग्राफी चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.